एवरीवन, आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी, तीन अंडे से तीन तरह का नाश्ता बच्चों के लिए कैसे बनाएं। तो मैंने तीन अंडे ले लिए हैं, उसके बाद मैंने प्याज मिर्च एक ही में मतलब चॉप कर लिया है चॉपर से। फिर इतने मैंने आटे लिए हैं, कम से कम तीन रोटियों का आटा आपके पास रहना चाहिए, या तो आप गूंथ लेते हैं, गूंथ सकते हैं, या फिर इस तरीके से गूंथ के 2 मिनट 3 मिनट के लिए रख दें, उसके बाद इसे बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडे को इस तरीके से हटा देंगे थोड़ा सा, फिर उसको इस तरीके से फोल्ड लेंगे। फोल्डने के बाद ही हमें कुछ बनाना है, तो इसे आपको मेल्ट नहीं करना है, बिल्कुल इस तरीके से अंडे जैसे आप फोड़ते हैं इस तरीके से फोड़ लीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से तीनों अंडे आप अगर फोड़ लेंगे तो उसके बाद आपको इसे मेल्ट नहीं करना है। इसे इस तरीके से फोड़ने के बाद आपने जो प्याज और मिर्च एक साथ चॉप किया है, जिसे आप चॉप कर लें या फिर बारीक सा कट कर लें, फिर इसमें इस तरीके से ऊपर से ऐड कर दें। ऊपर से ऐड करने के बाद ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसमें आप चाहें तो थोड़े से स्वाद अनुसार नमक ऐड कर सकते हैं या फिर मसाले ऐड कर सकते हैं, बट मैं मसाले नहीं ऐड करूँगी, मुझे इसी तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद इसे मैं साइड में कर दूंगी, और जो मैंने तीन रोटियों की लोइयां इस तरीके से निकाल लूंगी जो मैंने आटे लिए हैं, आप भी इसी तरीके से सेम पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिएगा। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनता है, बच्चों को तो बहुत ही फेवरेट होता है। आप मार्केट से लाते हैं, यकीन मानिए आप घर पे बनाइए, 20 मिनट में आपके ये 15 मिनट में नाश्ते बन के रेडी हो जाएंगे। 20 मिनट तो मैंने ज़्यादा बता दिया आपको। जब ये रोटियाँ इस तरीके से आप तैयार कर लेंगे, तो रोटियां बनने के बाद आपको क्या करना है, फ्राई पैन लेना है। तो फ्राई पैन में इस तरीके से लेने के बाद जो हल्का सा गर्म हो जाए, तो इस तरीके से 1.5 चम्मच आप इसमें तेल ऐड कर दीजिए। फिर इस तरीके से फ्राई पैन घुमा घुमा के सारे तरफ तेल फैल जाए, अगर ना फैले तो आप ब्रश की सहायता से इसे फैला सकते हैं। फिर इस पर रोटियाँ ऐड करिए। रोटियाँ ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, जब एक साइड की एक लेयर हल्का सा पक जाए, रोटी का एक लेयर हल्का सा पक जाए, तो उसके बाद आपको ये इस तरीके से उठाना है और इस पर इस तरीके से ऐड कर देना है। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आपका गिरे टूटे कुछ भी हो तो टेंशन ना लीजिएगा, ये बहुत ही यम्मी तब भी बनेंगे आपके। तो इस तरीके से रोटियां जब दूसरी साइड की भी हो जाएंगी तो इस तरीके से घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद ये जो आपका बाहर निकला हुआ है तो आप इस तरीके से इस पर चिपक जाता है बिल्कुल, क्योंकि अंडे जब पक जाते हैं तो वो कोई भी चीज़ें अगर आप लिए हैं, रोटी लिए हैं या फिर मैदे का बना के लिए हैं, तो भी इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन ये गेहूं के आटे का बना रहे हैं तो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी फूल होगा। मैदे थोड़े से नुकसान करते हैं, ज़्यादा बच्चों को ना खिलाएं तो अच्छा होता है। तो मैं इस तरीके से पहला वाला नाश्ता बना ली, उसके बाद दूसरा नाश्ता मैं बताती हूँ। दूसरे नाश्ते में भी इस तरीके से 1.5 चम्मच तेल ऐड करके फ्राई पैन पे इस तरीके से एक लेयर आपको अच्छे से पका लेना है। जब एक लेयर आपका इस तरीके से पक जाए तब हम इस पर ऐड करेंगे वही अंडे जो हमने मेल्ट नहीं किया है। तो जो हमने मेल्ट नहीं किया इस तरीके से ऐड करेंगे। यकीन मानिए बच्चे, कुछ बच्चे चाहते हैं कि यार प्याज ना पड़े और ये सारी चीज़ें ना पड़े। कुछ बच्चे खाना ही नहीं पसंद करते हैं प्याज वगैरह, तो लहसुन भी नहीं खाना पसंद करते हैं। और मैंने सिंपल सा नाश्ता आपको बताया है, जब इस तरीके से ऐड करेंगे थोड़े टाइम के लिए छोड़ दीजिएगा, ये अंदर तक का फ्लेवर बिल्कुल पक जाएगा। पकने के बाद आपको क्या करना है, इस पर इस तरीके से प्याज ऐड कर देनी है। जैसे आप रोल बनाते हैं ना, सेम वही बनेगा, बट लास्ट में रोल ऐड करने से अच्छा है कि थोड़ी सी प्याज हमारी पक जाए तो अच्छा होता है। तो इस तरीके से एक साइड का दबाएंगे, फिर दूसरी साइड का आप चाहे तो हाथों से पकड़ें या फिर दूसरा वाला चमचा ले लें, उससे आप पलट सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा मुझसे भी बिगड़ गया बट आपसे बिगड़े तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो थोड़ा सा जब पहली बार कोई रेसिपी मैं ट्राई करती हूँ ना, तो यकीन मानिए मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ कि यार मैं अगर बना रही हूँ तो क्यों ना मेरे यूट्यूब फैमिली भी मेरी तरह ही कोई नाश्ता बनाए अपने बच्चों के लिए। तो इस तरीके से जब एक लेयर इस तरीके से पलटेंगे तो ये अंदर तक के अंडे पूरे पक जाएंगे, क्योंकि अंडा पकना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी होता है। तो ये दो तरह के नाश्ते हो गए। अब तीसरे नाश्ते के लिए मैंने तीसरी लोइयां जो ली थी उसे भी इस तरीके से रोटी बना लिया। रोटी बनाने के बाद इसका भी एक लेयर मैं पका लूँगी। जब एक लेयर अच्छे से पक जाएगी तो हम इस तरीके से ऐड करके इस पर अंडे को, हम वो वाला अंडा नहीं ऐड करेंगे प्याज वाला, सेम इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे और इस पर ऊपर से इस तरीके से नमक का छिड़काव कर देंगे, स्वाद मतलब अच्छा आ जाए।
तो मेरा बेटा जो है ना वो प्याज वगैरह नहीं पसंद करता, तो उसके लिए मैंने ये वाला नाश्ता बनाया। तो ये नाश्ते बनाने के लिए आपको इस तरीके से अंडे इसी पे ऐड करके छोड़ देने हैं, फिर जब ये थोड़े टाइम के लिए ये साइड साइड का वाइट वाइट दिखने लगे तो लग जान जाइएगा कि ये अंडे बिल्कुल पकने के प्रोसेस में आ गए हैं। तो एक चाकू की सहायता से या फिर कोई भी चीज़ लीजिएगा, इस तरीके से फोड़ दीजिएगा, ये बिल्कुल धीरे धीरे करके अच्छे से फैल जाएगा। बहुत ही यम्मी बनता है, क्योंकि बहुत सारे जेंट्स लोगों को ये बहुत पसंद आता है, केवल अंडे को इस तरीके से तवे पे ऐड करके और हल्का सा फोड़ के, ज़्यादा पकाते भी नहीं हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। बट मैंने पहली बार बनाया था, मैं देखी भी थी, बहुत सारी रेसिपी मैंने देखी है, यूट्यूब पे भी देखी है, फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे देखी है, लेकिन मैंने ये एक बार सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूँ कि क्या सच में यमी लगता है। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद जब दोनों रोटियाँ इस तरीके से करेंगे तो ये बिल्कुल येलो कलर का होता तो है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो एक बार इसे भी ट्राई करिएगा। जो बच्चे प्याज लहसुन मिर्च ये सब नहीं पसंद करते हैं तो उनके लिए ये सिंपल सा नाश्ता है, क्योंकि हर किसी के घर में कुछ बच्चे नखरे वाले होते हैं तो कुछ बच्चे खाने वाले होते हैं। तो मेरा बेटा थोड़ा नखरा, जब भी मैं कोई पहली रेसिपी या फिर नई रेसिपी बनाती हूँ तो वो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे आप लोगों से शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया बनाए मैं सोचती हूँ। तो इस तरीके से ये वाला तरह के नाश्ते मैंने आपको बता दिया, आप अपने बच्चों के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिए आपके बच्चे कितना पसंद करेंगे। तो यकीन मानिए आपके बच्चे यही बनवाया गया था, तो इसकी इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों साइड से ये पकता है तो तब भी येलो कलर का ही रहता है, तो इसे भी हम निकाल लेंगे। अब बारी आई हमारी प्लेटिंग करने की, तो बच्चों को अगर खिलाना है तो इसको प्लेटिंग करने के लिए आप चाकू की सहायता से इस तरीके से इसे एक 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 नाश्ते को दो दो भाग में इस तरीके से कट करना है, फिर इस तरीके से रख देना है प्लेट में। फिर इसके साथ खाने के लिए मैंने तीखी वाली चटनी बनाई थी, तो वो भी आप इस तरीके से ले सकते हैं अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो, नहीं तो इसके साथ आप फ्रूट वगैरह कुछ भी दूसरी चीज़ें ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, बट आपके पसंद के अकॉर्डिंग आप अपना ले सकते हैं। इसके बाद ऊपर से मैं इस तरीके से सॉस वगैरह थोड़े से गिरा दूँगी इसके ऊपर से, तो ये थोड़े से टम्पटिंग से भी दिखेंगे और ये खाने में भी टेस्टी लगेंगे। तो ये हरी धनिए की चटनी मैंने बनाई थी, उसके बाद इसमें मैं 4-5 प्याज इस तरीके से लेयर वाली कट कर ली थी, ले लेंगे। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे अपने बच्चों के लिए। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब किया करिए, और ताकि आप सभी लोगों को मेरी नई नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपके बच्चों को कैसी लगे। तो अगली रेसिपी में दोबारा कुछ नया लेके फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा।